12.2.2 स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। क्रियाकलाप चार। पहला, एक खिलौने वाली कार लें। दूसरा, इसमें लगी चाबी को 2-3 बार घुमाएं। तीसरा, इसे जमीन पर रखें। क्या यह चलने लगती है? यदि हाँ तो क्यों? यदि चाबी को 4-5 बार घुमाया जाए तो क्या होगा? चित्र में दिखाए अनुसार जब आप दीवार से लगी स्प्रिंग चित्र क्रमांक 12A पर गेंद रखकर उसे दबाते हैं तो स्प्रिंग संकुचित चित्र क्रमांक 12B हो जाती है, और जैसे ही आप अपना हाथ स्प्रिंग से हटाते हैं गेंद दूर जाकर गिरती है चित्र क्रमांक 12C। कुछ ऐसा ही स्प्रिंग तुला में होता है, वजन लटकाने पर तुला खिंच जाता है और छोड़ने पर वापस आ जाती है। चित्र क्रमांक 13 देखें। गुलेल को खींचकर छोड़ने पर गुलेल की रबर भी दबे स्प्रिंग की तरह ही वापस बिना तनाव की स्थिति में आना चाहती है, अतः पत्थर को वह दूर तक फेंक देती है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर वस्तु को कार्य करने में सक्षम बनाती है। जब आप स्प्रिंग पर गेंद रखकर दबाते हैं तो आप स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन करते हैं। यह ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर स्प्रिंग की गेंद को दूर तक गति देने में सक्षम बनाती है। क्या इसी प्रकार रबर की गुलेल से पत्थर फेंकने की क्रिया को समझा जा सकता है? बच्चों देखो, मेरे पास क्या है? एक चाबी वाला खिलौना। यहाँ पर इसकी चाबी है। देखते हैं इस चाबी को घुमाने से क्या होता है। अरे वाह, देखो ये तो चलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब हमने इस खिलौने में चाबी भरी तो इसके अंदर की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये संचित हो गई, और यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में जब परिवर्तित हुई तो हमारा ये खिलौना चलने लगा। बच्चों देखो, मेरे पास क्या है? टेनिस की ये बॉल, और यहाँ दीवार पर हमने स्प्रिंग लगाई हुई है। इस बॉल को जब मैं स्प्रिंग के सामने रखकर दबाऊंगी तो उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या होगा। जब स्प्रिंग को हम दबाएंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी, और बॉल को इसके सामने रखकर करने से क्या होगा ये हम खुद ही देख लेंगे। तो चलो इस बॉल को स्प्रिंग के सामने रखकर दबाते हैं। अरे बाप रे, लगता है बहुत जोर लगाना पड़ेगा। छोड़ दूँ इसे? चलिए छोड़ते हैं। ओह, देखा आपने, बॉल तो दूर फेंका गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा संचित थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, और उसने बॉल को इतनी दूर फेंक दिया। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तब उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। वस्तु को ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर उठाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, इसके लिए न्यूनतम बल वस्तु के भार mg के बराबर होता है। उठाई गई वस्तु में उस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा की वृद्धि होगी। मान लें कि वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए उस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य w है। तब किया गया कार्य w बराबर बल गुणित विस्थापन is equal to mgh। चित्र क्रमांक 14, वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया गया। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh है,
अतः वस्तु को मिली स्थितिज ऊर्जा भी mgh होगी। हम इस स्थितिज ऊर्जा को ep कहेंगे। ep इज इक्वल टू mgh। इसे भी जानें, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का मान किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा के मान से फर्क होगा। प्रश्न पहला, चित्र क्रमांक 15 में दिखाई गई तीन स्थितियों ए बी तथा सी के लिए पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दूसरा, चित्र क्रमांक 16 में एक आयताकार बॉक्स दिखाया गया है जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 2h एवं h है। दोनों स्थितियों में बॉक्स पर रखी m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चर्चा करें। पहला, धनुष बाण चलाने की क्रिया में तीर को धनुष में लगे तार अथवा रबर पर रखकर पीछे की ओर क्यों खींचा जाता है? दूसरा, क्या वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है?